दोस्तों रिकॉर्ड कायम किया है, कुवैत से बहुत बड़ा डेलीगेशन है, इंतजार कर रहे हैं कि TDAP के चेयरमैन से बात हो जाए। आप देख सकते हैं कि सारे बिजनेसमैन यहाँ खड़े हैं। ये वो मुल्क है जहाँ पाकिस्तान का वीज़ा बंद है। ये इनकी कोशिश है कि हमारा सॉफ्ट इमेज दिखाया जाए। ये सॉफ्ट इमेज कैसे दिखाए, इसके लिए मैं इनके साथ हूँ, क्योंकि मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ। आई लव माई कंट्री। आप भी जाके और पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिए, मैं जगाऊंगा। We have experienced very good thing. What we have seen in the TVs, it's literally, you can say, all lies. We didn't find anything. The media deliver a very bad message about Pakistan. Even all my friends, when I told them that I'm going to Pakistan, they said, oh, be careful, it's dangerous, and blah, blah, blah. You know, all that talking. But when I first came, I mean, here, I'm shocked, actually. Pakistan is a really great country and very good people, and you know, everything is wonderful over here. Time frame. Always we destroy a lots of business which we try to get from Pakistan for the countries, but time frame destroy it. I'm very proud to mention that Kuwait is the only country at this point in time who has brought the biggest delegation. We have multiple people. Even in Arabs, you know, we have variety of Lebanese and Egyptians and Kuwaitis. And this is the first time, which is very unique, that Kuwaiti businesswomen have visited Pakistan. आप हमें तावुन दें एक ग्राउंड दें खेलने के लिए, और फिर आप ये देखिए कि हम आपके लिए क्या करते हैं। हमने ये आपके लिए नहीं करना, हमने अपने मुल्क के लिए करना है, एंड वी विल डू दैट। मैं हुकूमत पाकिस्तान से और तमाम मुतल्लिका वजारतों से दरख्वास्त करता हूँ कि हाफिज़ मोहम्मद शब्बीर साहब, जो कि मेंबर ओपेक भी हैं, उन्होंने मैं ये पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है, और पाकिस्तानियत उनके अंदर, इंसानियत, पाकिस्तानियत, उसका एक अलग किस्म का ही जज्बा है, जिसके तहत वो पाकिस्तान बिजनेस सेंटर बनाया, उन्होंने एक टीम तश्कील दी है। खुदारा ऐसे लोगों के जज्बात को तकवीत दीजिए। इनकी तकवीत देने से मैं पूरी ज़िम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा राजा साहब, आप इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर आए, रिकॉर्ड कायम कर दिया। रिकॉर्ड तो बहुत से लोग तफरी के लिए भी बनाते हैं, लेकिन मुझे यकीन है आपने तफरी के लिए रिकॉर्ड नहीं बनाया। ये जो अरब्स आए और ये जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन पाकिस्तान आए दोबारा, इतना कुछ पढ़ते रहे हैं लोग, टीवी पे आता रहा है, 247 इनको हर वक्त हिट होती है, कहीं रेडियो से, कहीं टीवी से, कहीं अखबार से, कहीं मैगजीन से, कि पाकिस्तान बुरा है, पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, बूढ़ों को कत्ल किया जा रहा है, इमाम बार गए, मस्जिद में कुछ नहीं बची। जब ये लोग आए हैं तो क्या पर्सपेक्टिव चेंज किया आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैंने कल भी बताया, मेरे कोलीग्स ने भी इस बात के जिक्र किया कि ट्रेड, पाकिस्तानी इकॉनमी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाना तो एक मकसद हमारा था ही, उसके साथ साथ उसी लेवल पे हमारा एक मकसद, जिसके लिए हम कुवैत में भी बहुत काम कर रहे हैं, कि पाकिस्तान के इमेज को, उसके ये जो मौजूदा सिनेरियो बना हुआ है, उसे हटा के एक सॉफ्ट इमेज जो पाकिस्तान का है उसको उजागर करना। उसके हवाले से सर, अरब्स के लिए, जो कि मैं अरब के साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन में रहता हूँ उनकी ज़ुबान जानने की वजह से, तो अक्सर ने मुझसे ये कहा कि ये जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, ये तो बिल्कुल पाकिस्तान नहीं था। हमने टीवी की स्क्रीन पे पाकिस्तान को याद बम धमाकों में देखा है, या किसी टेंशन में देखा है, अखबारों में जब भी पढ़ा है पाकिस्तान को किसी टेंशन में पढ़ा है। अब हम ये देख रहे हैं कि हमने जो देखा, जो सुना, वो सब गलत था। ये पाकिस्तान है जो आज हम देख रहे हैं, और यकीन करें कि हम, बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा कि अब हम सिर्फ एक्सपो ही नहीं, अब हम खुद आया करेंगे बिजनेस करने के लिए, हमें पता चल गया कि पाकिस्तान क्या है। तो ये इकदामात जो हैं, ये मैं ये कहूँगा कि हमारी सतह पे जो हम कर रहे हैं मुल्क के लिए नहायत ही मुफीद हैं। और लेट्स सी, जबरदस्त बात की है। अरब्स का जब रवैया चेंज हो गया, कुवैती अरब्स का, और कुवैत के रहने वाले कहने लगे पाकिस्तान अच्छी जगह है बिजनेस के लिए, तो वजीर आजम साहब, वजीर आला साहब, तमाम सूबों के वजीर आला साहबान, मिनिस्टर फॉर ट्रेड, आप सब थोड़े से कान खोल लीजिए, तेल डाल लीजिए कान में, एक दफा आके इनका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। बुलाइए जत्थों के जत्थे और दिखाइए मेरा प्यारा खूबसूरत पाकिस्तान। यू हैव बीन इन कुवैत एंड आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। यू हैव बीन बम्बार्डिंग विद न्यूज दैट पाकिस्तान इज फुल ऑफ टेररिज्म, देयर ब्लास्ट, देयर टेररिस्ट रैम्पेंट प्रोग्रेसिव हियर।
What do you think now after 2 or 3 days since you're here in Karachi? First of all, I would love to and address my appreciation for being here upon the invitation, the kind and generous invitation of Mr. Mayan Nawaz Sharif. And being honest with you, I never care about what the media would say, because I know that some of them would be different than reality. Yet, I was sad to watch all over the years about Pakistan, Afghanistan, and our region as a Muslim. Okay, in the American movies in specific, and through the CNN, that this is a place full of hazards and hazardous zone for anybody to live. Once I came here, I was like astonished and touched by the people that gave me the kind human appeal and the generous feeling. They have this kind of ethics that make the country more than a country of commerce and country of any other trade. And I think Pakistani just need to appreciate time and stick to it in order to proceed forward. Being punctual is the best thing. That's a great advice. Okay, you got it without That's even... That's a great word of advice. Okay, I'm implying, mashallah, you get it. Explicitly, let me say that Pakistan, mashallah, has all natural resources. Allah blessed it with it. Has the good mind and mentality of a great people, and the good heritage with Islam. You can do much more than what you've done. Inshallah, one day we will see you in technology and high industry, as well as atomic energy in the first rank, and for a peaceful usage. And may Allah, inshallah, protect all Pakistan and Pakistani, and we will see it develop in the progress. Ameen. Inshallah. Ameen. Inshallah. Thank you so much. And thank you for the best advice till yet, that Pakistanis should become punctual. Because if a nation becomes punctual, then everything will come into order. I agree with you. Thank you. And sir. Honestly, this is what we need to make business and to make the world respect Pakistan and our region. Thank you. Let me give you a compliment from the bottom of my heart and from my nation, that you are the prettiest lady around.